बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, -64 का क्यूब। अब ये हमारे पास जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास है। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, -64 होल पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये 3 ना होता तो ये स्केयर रूट था, तो इसकी पावर आती 1/2। अगर यहाँ पर होगा फोर्थ रूट तो यहाँ पर आएगा 1/4। अगर यहाँ पर 5 होगा यहाँ पर आएगा 1/5, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हम आगे चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन था और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ गया, ठीक है। इसको रेडिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और रेडिकल नोटेशन भी कह सकते हैं, जो भी आप चाहें उसको वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी का अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, 2^3/5। अब पहले ये देखें कि ये है क्या, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है या रेडिकल नोटेशन है। अगर ये यहाँ पर हम देखते हैं ये 3^5 है, अब यहाँ पर रूट का साइन तो नहीं है ना, ये हमारे पास कौन सी है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। इसको हमने कन्वर्ट करना है अब किसमें, रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा 1/5, यानी जो भी चीज़ें 1/ हमें यहाँ पर चाहिए होती है। पिछली जब आपने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम देखते हैं कि -64 की पावर जो है वो -64 की पावर जो थी वो कितनी थी, 1/3। यहाँ पर अगर 1/5 होगा, 1/4 होगा, 1/2, 1/3, इस तरीके से जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्जन हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको 1/5 हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम इसको 3/5 को ऐसे लिखें, 3 × 1/5, तो 3 × 1 = 3/5, ऐसे ही आएगा ना ये, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह लिख लें 3 × 1/5, 2^3 × 1/5। अब हम इसको क्या करते हैं, अभी हम पहले करते थे कि पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको हम इसका उलट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि 2^3 × 1/5, यानी पावर की पावर हम इसको बना लें, ये हो जाएगा 2^3 होल पावर 1/5, ठीक हो गया था, 2^3 होल पावर 1/5। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/5, अभी 1/5 आ गया, तो आप इसको हम क्या कर सकते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2^3 और ये फिफ्थ रूट, ये हमारे पास आ गया रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम देखते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास -7^1/3। अब पहले तो ये देखें कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है या एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है क्योंकि -7^1/3। एक बात का ख्याल रखना है कि ये माइनस जो है, अब ये इसकी पावर 1/3 नहीं है, इस माइनस का 1/3 से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ 7^1/3, 7 से इस पावर का ताल्लुक है। अगर ये होता इस तरह -7 होल पावर 1/3, फिर इस माइनस का ताल्लुक होना था 1/3 के साथ भी, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास 1/3 1/3 की फॉर्म मौजूद है, माइनस को हम लिखते हैं बाहर, 7 का क्यूब रूट, ये आ गई इसकी रेडिकल नोटेशन, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो जो क्वेश्चन मुकम्मल होता जाए उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप, तो वो आपके लिए नोट्स बनते जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि जो जिस दिन क्वेश्चन देखें उसी दिन उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे, खाली देखने से क्वेश्चंस नहीं आते, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, y^-2/3। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है या एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अभी हमने देखा कि ये जो है ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, कौन सी नोटेशन है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, रेडिकल एक्सप्रेशन में। रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। अब यहाँ तो -2/3 है, अगर हम इसको ऐसे लिखें -2 × 1/3, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, -2 × 1 = -2/3, ठीक है, वही चीज़ आएगी ना। अगर हम इसको इस तरह लिख लें
y रेस टू पावर माइनस टू इंटू वन बाय थ्री। एक्सपोनेंट लिखते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि यहां से एक्सपोनेंट ऊपर को आना चाहिए, एक्सपोनेंट नीचे नहीं आना चाहिए। वो समटाइम ऐसा होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन की जो है वो फॉर्म दिखा रहा होता है। यहां पर हम देखते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि जिस तरीके से पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको पावर की पावर भी बना सकते हैं। जिस तरह पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसी तरीके से हम इसको पावर भी बना सकते हैं। वाई रेस टू पावर माइनस टू और होल पावर वन बाय थ्री। अब ये हमारे पास वन बाय थ्री वाली फॉर्म आ गई, तो लिहाजा अब इसकी जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म बन सकती है। कैसे? वाई रेस टू पावर माइनस टू, ये इसका क्यूब रूट, 1 बाई थ्री है ना, तो ये क्यूब रूट हो गया। ये इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और ये इसकी जो है वो रेडिकल नोटेशन या रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें था कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन थे उसको हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन थे उसको हमने कन्वर्ट किया रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं, अब ये ट्रू है या फॉल्स है? फाइव रेस टू पावर वन बाई फाइव इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ फाइव। अब यहां पर हम देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। अब हमें फाइव रेस टू पावर वन बाई फाइव, अभी हमने क्वेश्चन किया है कि फाइव रेस टू पावर फाइव जो है, फाइव रेस टू पावर वन बाई फाइव जो है किसके बराबर होगी? ये तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, हम इसी को देख लेते हैं पहले कि फाइव रेस टू पावर वन बाई फाइव है, तो इसका अगर हम रेडिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो क्या बनना चाहिए? ये फाइव और इसका फिफ्थ रूट है, ये यहाँ ऐसे होना चाहिए, ये तो इसके बराबर होता है ना। ठीक है, तो लिहाजा ये जो है फाइव रेस टू पावर वन बाई फाइव जो है वो तो इस तरीके से रेडिकल साइड में आएगी, फिफ्थ रूट ऑफ फाइव, तो लिहाजा ये जो है वो क्या हो गया? फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपके पास क्या आ गई? फॉल्स। ठीक हो गया, जब भी कोई ट्रू फॉल्स कर रहे हैं पहले उसको अच्छी तरह समझें कि उसकी असल फॉर्म है क्या, फिर उसके बाद जो है वो ट्रू फॉल्स। ये रटा नहीं लगाना कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ऐसे नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा ये ट्रू है फॉल्स है। टू रेस टू पावर टू बाई थ्री, सेकेंड पार्ट इसी का, टू रेस टू पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ फोर। अब ये देखते हैं इसमें टू रेस टू पावर टू बाई थ्री, ठीक है, अगर हम इसकी जो है वो इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडिकल साइन में, ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये देख लें जरा, टू रेस टू पावर इसको क्या लिखेंगे? टू इंटू वन बाई थ्री, जिसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई वाली को पावर की पावर बना सकते हैं। टू रेस टू पावर टू होल पावर वन बाई थ्री, टू रेस टू पावर टू कितना होता है? फोर, और उसका हम क्या कर लेते हैं? क्यूब रूट, क्यूब को पावर वन बाई थ्री है, होल पावर वन बाई थ्री है ना, तो क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ देखिए टू रेस टू पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ फोर, इसका मतलब ठीक है ये, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ठीक हो गया, क्वेश्चन को जब भी करें सॉल्व करके उसके बाद उसको बताएं, अंदाजे नहीं लगाने आपने कि ये ट्रू है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। स्केयर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 7। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, ये हमने बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि स्केयर रूट ऑफ 49 का स्केयर रूट क्या होता है? आप लोगों ने किया होगा, स्केयर रूट ऑफ 49 क्या होता है? 7। यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्केयर रूट ऑफ 7, तो लिहाजा ये इसके इक्वल नहीं है ना, स्केयर रूट ऑफ 49 जो होता है वो 7 के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स। ठीक हो गया, उसके बाद इसी का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ये जरा ध्यान से समझिएगा, एक्स रेस टू पावर 27 का क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 3। एक्स रेस टू पावर 27 का क्यूब रूट, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेकर आते हैं। एक्स रेस टू पावर 27
और होल की पावर यहाँ पर क्यूब होता था, तो क्यूब खत्म होगा तो होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। अब इसमें देखते हैं कि पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। एक्स एस टू पावर 27 इंटू 1/3, 3 9s are 27, विच इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 9। अब ये जिसको हमने सॉल्व किया तो एक्स टू पावर 9 की पावर आया, जबकि गिवन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एक्स एस टू पावर 3। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। -125 का क्यूब रूट, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडिकल एक्सप्रेशन को जो था वो हमने कन्वर्ट करना था एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ठीक है, लेकिन अब इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा, सबसे पहले रेडिकल साइन को हम खत्म करते हैं, -125 होल पावर 1/3। यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है ना, 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3। अगर यहाँ पर कुछ भी ना होता तो क्या था, 1/2। यहाँ पर अगर 4 होगा तो क्या आएगा, 1/4। यहाँ पर 5 होगा तो क्या आएगा, 1/5। अब हम देखते हैं कि 125 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 125 ये माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर है, माइनस का ताल्लुक 1/3 से है, इसके एक्सपोनेंट से ताल्लुक है इसका, 5 × 5 × 5 होल पावर 1/3। अब अगर आप देखें ये माइनस 5 रेस टू पावर 1 जिसकी पावर नहीं लिखी होती वो 1 होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 रेस टू पावर 3। जब बेस एक ऐसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो फंक्शन, तो उनके एक्सपोनेंट जो है क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जब भी बेस एक जैसी हो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके एक्सपोनेंट जो है क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर डिवाइड हो रहे हो तो वो डिवाइड के फंक्शन में जो है वो क्या माइनस हो जाते हैं, -5 रेस टू पावर 3 होल पावर 1/3। -5 अब पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 × 1/3। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, -5 की पावर 1 यानी -5, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सबसे पहले हमने रेडिकल साइन को खत्म किया, क्यूब रूट था 1/3, 125 की फैक्टराइजेशन की, 5 रेस टू पावर 3, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 3 से कैंसिल आउट हो गया और -5 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ही अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है 32 का फोर्थ रूट। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे हम कि इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख रहेंगे, 32 रेस टू पावर 1/4, जिससे पहले हमने किया था 125 की फैक्टराइजेशन की थी, इसी तरीके से 32 में 2 6 2 8 2 4 2 2 1 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, होल पावर कितनी होगी, 1/4। अब अगर हम देखते हैं तो ये 2 की पावर कितनी है, 1/4। अगर तो यहाँ 1/5 होती फिर तो 2 की पावर 5 हम बना के डायरेक्टली जो है कैंसिलेशन हो सकती थी, लेकिन अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमने देखना है कि ये है 1/4, तो हम क्या करें ताकि कैंसिलेशन भी हो सके, तो हम काम करते हैं 2 रेस टू पावर, ये 4 का जो है ना वो 1 बना लेते हैं, 2 रेस टू पावर 4 × 2 होल पावर 1/4, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में आप इनकी पावर को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी प्लस और माइनस अगर हो रहा हो तो पावर्स को आप इस तरीके से अलग नहीं कर सकते, इनको अलग अलग कर लें, 2 रेस टू पावर 4 होल पावर 1/4 एंड 2 रेस टू पावर 1/4, इनको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। पावर की पावर जो है आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 रेस टू पावर 4 × 1/4 और ये 2 रेस टू पावर 1/4 इसी तरह आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ रह गया 2। इसको चाहे तो आप
जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है कोशिश करते हैं उसी फॉर्म में आंसर दे। तो ये 2^4 है ना, इसको आप चाहें तो इस तरह 2 का 4th रूट भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन डालें या ना डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही 3rd पार्ट, जो काम आप लोग कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा उसको सेम डे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। थर्ड पार्ट देखिए, 3/32 का क्यूब रूट। सबसे पहला काम, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप कन्वर्ट करेंगे। 3/32 होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/3, ठीक है। अभी 3 की पावर को अपन 1/3 अलग कर लें, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, और 32 की पावर 1/3 को आप अलग कर लें। 3 की पावर 1/3 तो फिलहाल सॉल्व नहीं हो सकता, लिहाजा उसको ऐसे ही रहने दें, और 32 की पावर 1/3। अभी हमने देखा कि सॉरी, ये क्वेश्चन में 5th रूट है, ये 5th रूट है, यहाँ पावर 1/5 आ जाएगी, 1/5 और ये 1/5, ठीक है। अभी 32 के बाद 1/5, अभी हमें 32 की फैक्टराइजेशन की थी, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन हमने की थी 2 × 2, 5 × 2 आया था ना, 2 × 4, 4 × 8, 2 × 16, 2 × 32 या अब उसके बाद हम देखते हैं 3 × 1/5 तो एलटी रहेगी, और यहाँ पर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 2^12 कितनी हो गई, 5। हमने पढ़ा था कि जब बेस एक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इनकी पावर 1, 1, 1, 1, 1, तो ये पावर कितनी हो गई, 5, होल पावर आ गई 1/5। 3^1/5 ऐसी है, उसके बाद 2^5 × 1/5 पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये कैंसिलेशन होगी, 3^1/5/2। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है कोशिश करते हैं आंसर भी उसी फॉर्म में दें, 3 का 5th रूट ओवर नीचे क्या बचा, 2, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 3rd पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th पार्ट हम करते हैं, फोर्थ पार्ट है -8/27 का क्यूब रूट। -8/27 का पहले रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। उसके बाद 8 के फैक्टर्स बनाए, 8 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 and 2 × 1 = 2, 2 × 2 × 2 और होल पार्ट्स की कितनी आ गई, 1/3, दोनों की पार्ट अलग अलग कर दें, 27 की फैक्टराइजेशन करें, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 and 3 × 1 =, क्या लिखेंगे इसको, 3 × 3 × 3 होल पावर 1/3। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप पावर को अलग अलग कर सकते हैं 2 की पावर। अब देखिए यहाँ पर बेस एक ऐसी है, पावर्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है, ऐड हो जाती है, 2^1 + 1 + 1, 2^3 होल पावर 1/3, 3^1 × 3^1 × 3 सेम चीज के बेस एक ऐसी हो तो मल्टीप्लीकेशन पर पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, 3^3 होल पावर 1/3। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई 3 × 1/3 ओवर 3^3 × 1/3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बाकी मेरे पास क्या बचा, 2^1 ओवर 3^1, ये इसका आंसर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 4 पार्ट्स मुकम्मल हो गए, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो मुकम्मल हो गई, ठीक है, नेक्स्ट साइज में इंशाल्लाह भी मिलेंगे, इनको प्रैक्टिस क्लास में कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।